जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर ऑल डूइंग गुड। कंफर्म कीजिएगा आवाज़ एंड स्क्रीन शेयर है सबसे। ओके यस मैम। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली पीपीसी जो कि लास्ट कंटेंट एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, दैट इज आवर टास्क इज पीपीसी। पीपीसी मीन पे पर क्लिक। लाइक आपने क्या किया कि प्रोडक्ट को जब आपने हंट किया, प्रोडक्ट हंटिंग सबसे पहला टास्क है, उसके बाद सोर्सिंग है, देन लिस्टिंग, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है वो मैंने आपको स्क्रिबल के थ्रू बताया। उसके बाद हमने लिस्टिंग के बाद शिपमेंट एंड लास्ट कंटेंट इज पीपीसी। पीपीसी का मतलब ये है कि पीपीसी स्टैंड्स फॉर पे पर क्लिक एंड यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट। हम अमेजोन को ना बिडिंग करते हैं और इन रिटर्न अमेज़ॉन हमारी प्रोडक्ट ना रैंक करता है, यानी कि 10,000 सेलर हमारी प्रोडक्ट सेल आउट करने वाले हैं ना, तो उनमें हमारी प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे लाना है, तो उसके लिए हम पीपीसी रन करते हैं। पीपीसी में हमने करना क्या होता है, हमने अमेज़ॉन को थोड़ी बहुत बिडिंग करनी होती है और जिसके नतीजे में अमेज़ॉन हमारी प्रोडक्ट को ना रैंक करता है फर्स्ट पेज पे। ये ना इसको हनीमून पीरियड कहते हैं, बिकॉज जो फर्स्ट 15 डेज है ना बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। उसमें अमेज़ॉन हमें खुद जो है ना प्रमोट कर रहा होता है और हेल्प कर रहा होता है हमारी प्रोडक्ट को रैंक करने में। अमेज़ॉन कहता है थोड़ी बहुत बिडिंग करो मुझे और मैं आपकी प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे रैंक कर दूंगा। सो 80 to 90% चांसेस होते हैं कि प्रोडक्ट रैंकिंग के पीपीसी के थ्रू, और वो भी फर्स्ट 15 डेज में। सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट पीपीसी का। नेक्स्ट हम देखते हैं पीपीसी बेसिकली इज़ ऑल अबाउट द टेस्टिंग। ठीक है, पीपीसी जो है वो हमने क्या करना होता है कि तकरीबन 3 मंथ्स तक हमने रन करनी होती है, ये कंपेन चलानी होती है, और हमने 1 से 2 वीक के बाद हमने एनालाइज़ करना होता है पीपीसी की रिपोर्ट को डाउनलोड करके। एनालाइज़ करना होता है किन कीवर्ड्स पे हमें सेल आ रही है और किन कीवर्ड्स को हमने यानी कि डिलीट करना वहाँ से, और किन कीवर्ड्स पे बिडिंग हाई करनी है, लो करनी है, और किन कीवर्ड्स पे हमें इंप्रेशन कैसे आ रहे हैं, क्लिक्स आ रहे हैं, ऑर्डर आ रहे हैं, सेल आ रही है, ये सारी चीज़ें एनालाइज करनी होती हैं हमने पीपीसी की टेस्टिंग के थ्रू। ठीक है, अब पीपीसी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मेक श्योर कर दूँ कि पीपीसी स्टार्ट करने से पहले ना आपको कंपेन जो है ना वो ये चीज़ें कंसिडर करनी होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन देखना होगा। अगर आपकी प्रोडक्ट पे प्रॉफिट मार्जिन अच्छा नहीं है, इट्स मीन 25% होना चाहिए ना प्राइवेट लेबल में, तो वो आपका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा नहीं है, तो इट्स मीन कि आप पीपीसी फिर रन ना करें, क्योंकि फ़ायदा ही कोई नहीं है। फर्स्ट पेज पे भी आपकी प्रोडक्ट आ जाएगी लेकिन आपको सेल नहीं आ रही, इट्स मीन कि कोई भी फ़ायदा नहीं, आप इवन दो के लॉस में जाएंगे। सेकेंड थिंग कि आपकी ना वेल ऑप्टिमाइज होनी चाहिए लिस्टिंग। लिस्टिंग वेल ऑप्टिमाइज का मतलब ये कि टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें जो है ना आपने ऐड करनी है, और उस पेज पे जो है वो वेल ऑप्टिमाइज होगी तो तब आपने उस पे ना पीपीसी रन करनी है। जब आपके पास पीपीसी का कोई क्लाइंट आएगा ना, तो आपने ये चीज़ मेक श्योर कर लेनी है कि आपने उनसे कंफर्मेशन कर लेनी है, या उनकी लिस्टिंग आप खुद भी देख सकते हैं कि उन्होंने टाइटल्स में कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं, या लिस्टिंग में बुलेट पॉइंट्स में, या कहाँ कहाँ उन्होंने किस तरह से कीवर्ड्स यूटिलाइज किए हुए हैं। क्योंकि अगर इन चीज़ों को चेक ना किया जाए तो आगे जाके डेफिनेटली ये चीज़ें प्रॉब्लम का बाइस बनती हैं, और ये चीज़ें आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि आइदर लिस्टिंग वेल ऑप्टिमाइज्ड है कि नहीं। ठीक है, अब बेसिकली टाइप्स की बात कर लेते हैं। पीपीसी की इतनी टाइप्स हैं। पीपीसी में ना ये वैसे मैं टर्मिनोलॉजीज आपको बता रही हूँ, मेन टॉपिक पे हम बाद में आते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कीवर्ड्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं। ठीक है, कीवर्ड्स की टाइप में जो है ना ये ब्रॉड फ्रेज और एग्जैक्ट कीवर्ड्स की टाइप्स होती हैं। अब ब्रॉड की एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ यहाँ पे जैसे कि उन्होंने बेबी टॉवल की एग्जांपल दी हुई है, और बेबी हुडी टॉवल्स, यानी कि सिनोनिम, एब्रिविएशन, एक्रोनिम्स और मिस स्पेलिंग वगैरह वेरिएशन, या फिर इंक्लूडिंग लाइक प्लूरल और स्ट्रीमिंग्स लाइक हाउस, हाउसिंग, ING जिनके आगे आता है। तो इस तरह के जो भी अगर हमारा जो कीवर्ड है इनमें रिलाई कर रहा होगा, तो इट्स मीन हम उसको ब्रॉड में कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल मैं इंक्लूड करना चाहूँगी कि क्रिसमस कुशन कवर 18x18, यानी कि ये एक कीवर्ड है। ठीक है, अब क्रिसमस पिलो कवर 22x22, या क्रिसमस पिलो कवर फॉर बेड, फॉर सोफा, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड जितने भी होंगे ना आपने कंसिडर करना है, ये ब्रॉड में आएंगे। ठीक है, इसके अलावा फ्रेजेज में अगर हम बात कर लें, तो फ्रेजेज में जो है ना
इसमें कीवर्ड्स या तो एग्जैक्टिव हों या फिर हल्के फुल्के मैच्ड हों। फॉर एग्जाम्पल क्रिसमस क्वेश्चन कवर मेन है, बट पिलो कवर फॉर क्रिसमस, ठीक है, ये भी हल्के हल्का फुल्का मैच आ रहा है, और क्रिसमस डिकोर फॉर क्रिसमस, तो ये भी जो है ना फ्रेजेस में इंक्लूड होगा। एग्जैक्ट की अगर हम बात करें तो एग्जैक्ट में डेफिनेटली वर्ड से आपको आइडिया हो रहा है कि एग्जैक्ट जो एग्जैक्ट कीवर्ड होगा ना वो एग्जैक्ट में ही हम डालेंगे। तो इस तरह से आपने ना इन चीज़ों को देखना है। और अब हम मूव ऑन करते हैं कि हम कंपेन को जो है ना क्रिएट किस तरह से करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती चलूं कि जी अब फॉर एग्जाम्पल के अगर हमने ये एक मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप में भी कि क्लास ज्वाइन कर लें, क्लास स्टार्ट हो गई भी है। अच्छा, सबसे पहले आपने ना क्रिएट कैंपेन करने से पहले आपने क्या करना है कि एडवर्टाइजिंग में क्लिक करना है। जस्ट वेट कीजिएगा। अच्छा, इसमें मैं आपको बता रही थी कि कंपेन क्रिएट करने से पहले आपने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजिंग में आप आएंगे, ठीक है, सेलर सेंटर के डैशबोर्ड में एडवर्टाइजिंग में आप आएंगे और कंपेन मैनेजर पे क्लिक किया। सो कंपेन मैनेजर पे क्लिक करने से पहले मैं आपको ये मेक श्योर करती चलूँ कि एडवर्टाइजिंग की जो स्पॉन्सर की तीन टाइप्स हैं वो क्या हैं, इनको थोड़ा सा एलेबोरेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स हैं, स्पॉन्सर ब्रांड्स हैं, स्पॉन्सर डिस्प्ले हैं, इन तीनों में से हमने कौन सी रन करनी है। फॉर एग्जाम्पल amazon.com में आप कोई भी कीवर्ड राइट करते हैं ना, इसको चेंज कर लेते हैं। अच्छा, amazon.com में जब आप कोई भी कीवर्ड राइट करते हैं ना तो उसमें आपको स्पॉन्सर वाले ना टॉप पे भी शो हो रहे होते हैं। इसके अलावा फॉर एग्जांपल की होल्डर पे ही एनालाइज कर लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल ये हमने राइट किया एक कीवर्ड, अभी इस पे आपको नज़र आ रहा है कि नीचे जो है ना ये टॉप पे भी आपको स्पॉन्सर वाले शो हो रहे हैं। ये देखें, SP राइट किया हुआ है ना स्पॉन्सर। इसके अलावा ये नीचे भी आपको ना स्पॉन्सर वाले काफ़ी जगह शो हो रहे होंगे, प्रोडक्ट के बिल्कुल नीचे राइट किया होता है ये स्पॉन्सर वाले हैं। फॉर एग्जांपल ये भी स्पॉन्सर वाले हैं। इसके अलावा नीचे भी आपको जो है ना स्पॉन्सर वाले ज़रूर शो हो रहे होंगे। बताने का मकसद ये है कि अब इन तीनों को ना, ये तीनों टाइप्स जो हैं स्पॉन्सर की, इनको एलेबोरेट कर लेते हैं। ये नीचे अगर SP वाले शो होंगे ना तो ये देखें लास्ट पे भी स्पॉन्सर वाला शो हो रहा है, इसी तरह आगे भी नेक्स्ट पेजेस पे भी ऐसे ही होगा। तो ये स्पॉन्सर वाला शो हो रहा है ना, सो इसका मैं आपको बताने चली थी कि सबसे पहले इसको एलेबोरेट कर लेते हैं ये स्पॉन्सर ब्रांड्स को। स्पॉन्सर ब्रांड्स का मतलब ये है कि ये जो टॉप पे आपको शो हो रहे हैं ना ये वाले, ये स्पॉन्सर ब्रांड्स हैं। इट्स मीन कि अगर ये उन सेलर को अलाउ किया जाता है जिनके अमेजोन पे ऑलरेडी 2 से 3 प्रोडक्ट्स रजिस्टर्ड हो, अमेजोन उनको अलाउ करता है ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो हम तो एज अ न्यू सेलर जा रहे होते हैं इसलिए हमें तो ये अलाउ नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे अगर ये देखें स्पॉन्सर डिस्प्ले, तो स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं। स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स में ना ये नीचे जितने भी हमें शो होंगे ना ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स वाले होंगे, ठीक है, लाइक दैट। इस तरह से समटाइम ऐसा होता है कि हमने क्या करना होता है, किसी की लिस्टिंग में जब हम ओपन करते हैं ना तो वहाँ पे ना हमें लिस्टिंग में शो हो रहे होते हैं नीचे, यहाँ पे ये स्पॉन्सर वाले लिस्टिंग में शो हो रहे होते हैं, तो इनको कहते हैं स्पॉन्सर डिस्प्ले, ठीक है। अब कोई लिस्टिंग में जाएगा फिर कहीं जाके हमारी प्रोडक्ट देखेगा, हम इसको प्रेफर नहीं करते, ठीक है। हमने या तो स्पॉन्सर डिस्प्ले भी नहीं हम चला ये स्पॉन्सर ब्रांड्स भी नहीं चला सकते क्योंकि डेफिनेटली स्पॉन्सर ब्रांड्स जो है हमें अलो नहीं है, फिर हमारे पास ऑप्शन ही स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स का रह जाता है, ठीक है। अब हमने ना स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है।
इसमें ना मैं ये फर्स्ट कंपेन लॉन्च करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले आपने ना फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ देख लेनी है कि तमाम कीवर्ड्स को ना आपने एक फ़ाइल में ऐड करके रख लेना है। जो कीवर्ड एनालिसिस मैंने आपको करवाई थी ना, सेम वही आपकी फ़ाइल जो है वो अच्छे तरीके से आपने बनानी है, ताकि लिस्टिंग में भी वही कीवर्ड्स यूज़ करें और आगे जाके पीपीसी में भी वही कीवर्ड्स आपके यूज़ हों। ठीक है, उसके बाद इसकी ना बेसिकली जो है, अगर हम यहाँ पे देखें कि ये किस तरह से क्रिएट करेंगे, यहाँ पे ना इसकी आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक और मैनुअल टारगेटिंग दो मेन इसकी टारगेटिंग है। लेकिन उसमें भी फर्दर अगर हम जाएँ तो टोटल मिला के 6 टाइप की कंपेन हमने रन करनी होती हैं, जिसमें मैनुअल में कीवर्ड टारगेटिंग और प्रोडक्ट टारगेटिंग भी आ जाती है। कीवर्ड टारगेटिंग की भी आगे 2 टाइप्स आ जाती हैं और प्रोडक्ट टारगेटिंग की भी 2 टाइप्स आ जाती हैं। सो टोटल मिला के हमने एक हमने चलानी होती है लॉन्ग टेल कीवर्ड पे। सो टोटल मिला के हमारी जो है वो 6 टाइप की कंपेन हमने रन करनी होती है। इसके अलावा आप फर्स्टली इसको भी देख लेते हैं, फिर हम फर्स्ट कंपेन को क्रिएट करना आपको बताएंगे। कंपेन में कंपेन बिडिंग स्ट्रेटजीज में आप देख सकते हैं कि डायनामिक बिड्स डाउन ओनली, डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन एंड फिक्स बिड्स है। ठीक है, अब डायनामिक बिड्स डाउन ओनली की सबसे पहले बात कर लेते हैं। मैं अगर मुझे क्लिक्स पड़ते रहे और प्रोडक्ट बाय ना हुई, तो अमेज़ॉन जो है ना खुद ही प्रोडक्ट को डाउन, अमेज़ॉन खुद ही डाउन की वजह से ना मेरी प्रोडक्ट को दिखाएगा ही नहीं बायर को। ठीक है, अच्छा इस वजह से कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे सेल नहीं आ रही थी, तो अमेज़ॉन मुझे बिड जो है ना मेरी बिड को कम करके, तो अमेज़ॉन मुझे टॉप पे दिखाएगा ही नहीं, ताकि मुझे सेल ना आए, क्योंकि मैंने बिड फिक्स की हुई थी, मैंने बिड सेलेक्टिव वो की हुई है, मैंने अमेज़ॉन को ये अलाउ किया हुआ है कि अमेज़ॉन अगर जो मैंने बिड लगाई हुई है ना, फॉर एग्जाम्पल 1 बिड मैंने सेलेक्ट की हुई है, तो मुझे अगर सेल आनी है 2 बिड पे, तो अमेज़ॉन मेरी प्रोडक्ट को डी रैंक कर देना। ठीक है, मेरी प्रोडक्ट को शो ही ना करना। तो ये डाउन ओनली का ये मतलब होता है। अप एंड डाउन का ये मतलब होता है कि अमेज़ॉन खुद ही मेरी कन्वर्जन हिस्ट्री को खुद ही मुझे अप्स एंड डाउन करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आप 1 बिड लगाई है ना, तो अगर मुझे 2 बिड पे सेल आनी है, तो अमेज़ॉन खुद ही उसको 2 बिड करके सिलेक्ट करके तो अमेज़ॉन वो शो करेगा मेरी प्रोडक्ट। इसके अलावा फिक्स बिड की अगर हम बात करें, तो अगर मैंने 2 बिड लगाई है ना, तो 2 ही रहनी है, अमेज़ॉन ने खुद इसको जो है चेंज नहीं करना, क्योंकि मैंने फिक्स कर दी हुई है। तो रेकमेंड वैसे ये है कि हम डाउन ओनली अप एंड डाउन पे रखें, लेकिन फर्स्ट में हम डाउन ओनली पे चलाएं, फर्स्ट वीक में डाउन ओनली में रख के चलाएं, बाद में हम अप एंड डाउन करते हैं। तो ये बेस्ट एवर स्ट्रेटेजी है पीपीसी रन करने की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि हमने कंपेन रन करनी है फर्स्ट, और फर्स्ट कंपेन होती है हमारी ऑटो कंपेन। ठीक है, ऑटोमेटिक टारगेटिंग भी हमने क्या करना है कि उसको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। अब हमने क्या करना है कि ऑटो में यहाँ पे नेम राइट करना है। फॉर एग्जांपल हमने नेम राइट इस तरह से करना है कि ऑटोमेटिक टारगेटिंग में ना अमेजोन के एल्गोरिथम के हिसाब से खुद ही अमेजोन ना हमारी प्रोडक्ट को रैंक करेगा। हमने नेम खुद सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन कवर है ना मेरा मेन कीवर्ड, तो मैंने क्वेश्चन कवर ए ऑटो राइट करना है। ठीक है, क्योंकि मैं ऑटो राइट कर रही हूँ ना, तो ऑटो को मैंने ब्रैकेट में ज़रूर राइट कर लेना है, ताकि मुझे आगे जाके याद रहे कि ये हमारी ऑटो वाली कंपेन है। नेम इस तरह से डिज़ाइन करना है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ऑटो सेलेक्ट किया, और नीचे हम देख लेते हैं फर्स्टली कि हमने ना स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट सेलेक्ट करनी है। स्टार्टिंग डेट तो जिस डेट पे आप चला रहे हैं वही रहेगी, एंडिंग डेट इट्स अप टू यू, अगर ना भी सिलेक्ट करें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, और ऑटो में हमने ना डेली बजट जो है ना वो उसके अकॉर्डिंग रखना है। फॉर एग्जांपल ये होता है कि $15 या $20 हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करना, $15 या $20 सिलेक्ट करते हैं ऑटो के हिसाब से। वो डेली का हमें ये बजट लगाना पड़ेगा ऑटो पे। ठीक है, उसके अलावा अगर हम मैंने जैसे कि डाउन बिडिंग स्ट्रैटेजी में आपको गाइड किया कि फर्स्ट वीक में आपने डाउन ओनली पे रहने देना और बाद में अप एंड डाउन पे कर देना। इसके बाद ना एड ग्रुप में उन्होंने कहा है कि अगर कोई आप कोई प्रोडक्ट को ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर लें, नहीं तो इट्स अप टू यू, इट्स योर चॉइस। ठीक है, उसका ये होता है कि रेलिवेंट आपकी ना प्रोडक्ट के रेलिवेंटेशन शो हो रहे होते हैं, तो अगर या फिर आपकी प्रोडक्ट का कोई वेरिएशन है तो वो शो हो रही होती है, तो ऐड प्रोडक्ट में जाके हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी वेरिएशन है, उनको यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं।
सो जस्ट ये है कि हमने जो है ना इस तरह से जो है ना कंपेन रन करनी होती है, और जब हमने ये सारी डिटेल एंटर कर देनी है ना, तो हमने लॉन्च कैंपेन पे क्लिक करके ये हमारी फर्स्ट कैंपेन लॉन्च हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने ना ऑटोमेटिक कैंपेन रन करनी है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी मैनुअल कैंपेन, या फिर मैनुअल कैंपेन में फर्दर चीज़ें आ जाती हैं लाइक कीवर्ड टारगेटिंग और प्रोडक्ट टारगेटिंग। और कीवर्ड टारगेटिंग में भी फर्दर टू टाइप्स की हमने रन करनी है, और प्रोडक्ट टारगेटिंग में भी हमने टू टाइप्स की रन करनी है। टोटल मिला के फोर हो गई, और एक ऑटोमेटिक टारगेटिंग हो गई फिफ्थ, और एक होती है लॉन्ग टेल कीवर्ड पे। हमने कीवर्ड में एक अगेन ऐड करनी है लॉन्ग टेल कीवर्ड के रिगार्डिंग, ठीक है। वो हमने AMC सुजेशन एक्सपेंडर के थ्रू कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करना होता है, उस बेस पे हमने ये कंपेन रन करनी होती है। तो जो रिमेनिंग हमारी है ना ये स्ट्रैटेजीज या टारगेटिंग किस तरह से क्रिएट करनी है मैनुअल की, वो इंशाल्लाह कल की क्लास में देखेंगे। अभी तक के लिए जो है ना ये PPC की फर्स्ट कैंपेन को हमने क्रिएट किया है। यहाँ तक अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कन्फर्मेशन करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। सलाम। हाँ मैम, ऑटोमेटिक टारगेटिंग मतलब हमने दोनों रन करनी है, ऑटोमेटिक भी और मैनुअल भी? एग्जैक्टली एट अ टाइम हमने दोनों ही कंपेन रन करनी है। दोनों में सिक्स टाइप्स टोटल आ रही हैं, तो सिक्स टाइप्स की कंपेन रन करनी होती है। फिर आगे जाके हमने देखना होता है कि कौन सी कंपेन हमें ज़्यादा रिजल्ट्स दे रही है अच्छे, और जो कंपेन हमें नहीं रिजल्ट दे रही होती, फिर उसमें हमने कीवर्ड को यानी कि कीवर्ड को देखना होता है, कौन से कीवर्ड काम कर रहे हैं, कौन से कीवर्ड नहीं काम कर रहे। तो उस तरीके से हमने जस्ट PPC इज़ ऑल अबाउट टेस्टिंग, हमने टेस्टिंग करनी होती है। तो उसमें फिर हमें पता चलता रहता है कि ये कीवर्ड टारगेटिंग को हम रिमूव कर देते हैं मैनुअल में, मे भी हमें प्रोडक्ट टारगेटिंग वाली अच्छी रह जाए, तो वो फिर जो टारगेटिंग हमें अच्छी रह जाए उसके साथ हम मज़ीद चलते हैं। ओके श्योर। ओके मैम, कुछ क्वेश्चंस थे मेरे। जैसे हमने जब रेलिवेंट कीवर्ड देखे होते हैं अपने, फॉर एग्जांपल सैरी प्रो में जब आते हैं तकरीबन 350 या 400, तो मैम हमने एक एक कीवर्ड को जो रेलिवेंट कीवर्ड है इंडिविजुअली ओपन करके देखना होता है क्या सर्च बार में एमएस? कुछ तो हमें वहीं से नज़र आ जाता है कि ये रेलिवेंट है। फॉर एग्जाम्पल हाँ जी आइसक्रीम स्कूप है, और आइसक्रीम स्कूपर है, तो स्कूपर भी इसमें इनके ये रेलिवेंट ही है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको हमें ओपन करके देखना होता है, तो ये टाइम टेकिंग होते हैं नो डाउट, लेकिन अथेंटिसिटी के साथ हमने चलना होता है। सो डैट्स वाई रिकमेंड यही है कि आप उसको ओपन करके देख लें। लेकिन जो शो हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे हैंगर्स हैं तो वो पिंक हैंगर्स या फेल्ट हैंगर्स है, तो मुझे इसको ओपन करने की जरूरत नहीं, मुझे पता है कि हैंगर्स ही हैं तो इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही है? ठीक एग्जैक्टली हो गया। मैम एक और क्वेश्चन था, जब हम कंपेटिटर एनालिसिस की रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है, जो हमें सप्लायर को जी सेंड करनी होती है, उसको हमने ये रिपोर्ट, एक पहला क्वेश्चन ये कब सेंड करनी है, और दूसरा ये है कि मैम उसका एसिन कैसे डालेंगे, मतलब जब हम अपना मेन कीवर्ड का ऐसे लिखते हैं वो तो सारे कंपेटिटर्स खुल जाते हैं ना, जब अपना मेन कीवर्ड डालते हैं, सॉरी ऐसे नहीं, सर्च बार में, तो सारे कंपेटिटर्स खुल जाते हैं, तो उसका एसिन कैसे लिखेंगे फर्स्ट पेज पे? देखिए, तब तक आपकी प्रोडक्ट ना, जब आपने सोर्सिंग करनी होती है ना, तो आपकी प्रोडक्ट का जो आपने डमी लिस्टिंग क्रिएट करनी होती है, उस पे अमेज़ॉन आपको एक एसन प्रोवाइड करता है। उस एसन की बेस पे वो एसन आपने फिर सप्लायर को भेजना होता है, और कंपेटिटर की जो फाइल बनानी है ना, वो आपने सोर्सिंग टास्क करने से पहले आपने उसको सेंड करनी है। लाइक जब आपने फाइनल कर लेना है ना कि इस सप्लायर के साथ हमने चलना है मज़ीद, मैंने आपको बताया था कि 10 सप्लायर से बात करनी है, फाइनल आपने एक करना है। सैंपल आपने तीनों से मंगवाने हैं लेकिन फाइनल एक करना है। तो उस जो फाइनल होगा ना हमारा सप्लायर, उस सप्लायर को फिर आपने ये कंपेटिटर की ना फाइल आपने सेंड कर देनी है। ओके, ठीक है। तो उससे पहले मतलब हमने डमी लिस्टिंग क्रिएट की होगी, और अमेजोन हमें अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तब तक हमारा एसिन दे चुका होगा, ऐसा ही है? एग्जैक्टली वो फिर एसन है, उस एसन की बेस पे, या तो अगर लोकल कोई क्लाइंट होगा तो उसने अगर ऑलरेडी प्रोडक्ट लाइव की हुई है, उसने सोर्सिंग जस्ट करवानी है, तो लिस्टिंग वो क्रिएट कर चुका है, तो फिर उस बेस पे भी आप जो है ना एसन है उसे लेके, तो उस बेस पे आप नेक्स्ट सोर्सिंग की तरफ मूव ऑन होंगे। ओके मैम, और एक क्वेश्चन ये था कि मैम वहाँ पे जैसे जब भी रिपोर्ट में आते हैं तो उसमें कीवर्ड्स जैसे कि 8 से 10 थे, ठीक है, मैम वो कौन से वाले कीवर्ड्स डालने हैं हमने उसमें जो 8 से 10 लिखते हैं सप्लायर को? कहाँ पे बोला? मैम जो कंपेटिटर एनालिसिस की रिपोर्ट बनाते हैं उसमें कंपेटिटर, उसमें वो भी होते हैं ना कीवर्ड्स, वो
आठ की बुक है उसमें जो चार सौ आठ से पचास दस कीवर्ड्स मैंने बताए थे ना, उसमें वो ये वो वाले कीवर्ड थे जो जो आपके कंपेटिटर के कीवर्ड्स थे। फॉर एग्जांपल आपने अपने ये क्या किया कि अपना कीवर्ड राइट किया अमेज़ॉन की सर्च बार में, नीचे जो कंपेटिटर आते हैं उनमें से आपने उन तीन से चार कंपेटिटर को चूज़ किया, उनके एसन को कॉपी किया, एसन को आपने जाके सेरिब्रो में पेस्ट कर दिया। उस सेरिब्रो में जब पेस्ट किया, नीचे आपके पास जो कीवर्ड्स आए हैं उनको सॉर्ट आउट करने के बाद आपके कंपेटिटर के जो हाईएस्ट मोस्ट रेलिवेंट और हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स हैं ना, उनको आपने एक्सट्रैक्ट करना है और वहाँ पे जाके आपने पेस्ट कर देना, लाइक फाइल में ऐड कर देना। मैम सिर्फ 8 से 10 ही लिखने हैं ना, उससे ज्यादा ना लिखने हैं मोस्ट रेलेवेंट कीवर्ड्स। एग्जैक्टली आप 8 से 10 कर लें, कोई इशू नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा मैडम, ये जो हमारा लेक्चर है पीपीसी का, ये आखिरी है लेक्चर इसका? एग्जैक्टली आपका लास्ट लेक्चर है कंटेंट का। अच्छा, तो इसके बाद कुछ नहीं, मसलन के क्लासेस खत्म हो जाएंगी, उसके बाद क्लासेस नहीं होंगी? एग्जैक्टली उसके बाद हम एक टेस्ट रखेंगे जिसमें आपको यानी कि कुछ भी आपकी स्क्रीन शेयर करवा के अभी तक जो भी कंटेंट में हमने चीज़ें पढ़ी हैं तो उसके रिकॉर्डिंग आपसे जी जी कंफर्मेशन कर ली जाएगी, और ये लास्ट पे हर सेशन का टेस्ट एक रखा जाता है। अच्छा, तो मैडम ये जो आप पीपीसी के कंप्लेन जो है वो सेलर सेंटर में जाके कर रही हैं, तो उसमें तो काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि जो कूपन्स वगैरह या डील्स वगैरह लगानी होती है। अगर कोई क्लाइंट हमारा जो कहता है कि हमें रिपोर्ट दो इसकी, डमी ऑर्डर मैनेजमेंट किस तरह करते हैं, इन्वेंट्री कैसे चेक करते हैं, अगर अमेज़ॉन का कोई केस करना हो तो वो कैसे करेंगे? देखिए केस ओपन करने की एक वीडियो मैं शेयर करूंगी, उसमें आप देखिएगा किसी भी किस्म का केस ओपन करना हो ना अमेज़ॉन पे तो वो वीडियो के थ्रू जी आप जी कंफर्मेशन मिल जाएगी, उसमें आप केस ओपन कर सकते हैं। लाइक वैट एग्जम्पशन का केस मैंने ओपन करके भी दिखाया हुआ है तो वो आप देखिएगा। सेकेंड थिंग कि कोई भी क्लाइंट आपसे ये रिक्वायरमेंट नहीं करता कि ये देखें अगर लेट्स सी इस तरह से हमने ये क्रिएट करनी होती है पीपीसी लाइक टैग, तो यही जस्ट आपने जिस तरह से ऑटोमेटिक टारगेटिंग या मैनुअल टारगेटिंग के अकॉर्डिंग आपने चलना होता है तो वो नेक्स्ट ये जो हैंडलिंग की बात आ जाती है ना जब आपकी प्रोडक्ट लाइव जाती है, जब आपने लिस्टिंग क्रिएट करके लाइव करनी होती है तो उसके बाद ऑटोमेटिक ये चीज़ें आ जाती हैं किस तरह से आपने रिपोर्ट हैंडलिंग करनी है, तो वो इट्स नॉट अ बिग डील, वो आप इजीली कर सकते हैं। मैडम, फिर भी मैं कुछ पता होना चाहिए ना कि किस तरह जाके कहाँ पे जाके चेक करनी है रिपोर्ट, अगर वो मांगता है कि मुझे बताओ क्या कर रहे हो, तो फिर वो कैसे जब आप करेंगे हम? पीपीसी ये रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करनी है कल मैं वो आपको बताऊंगी कि पीपीसी की रिपोर्ट को कैसे डाउनलोड करते हैं, तो उसके बाद यानी कि जब आप पीपीसी रन करते हैं ना तो उसके बाद जो रिपोर्ट होती है उससे आप इजीली एनालाइज कर सकते हैं कि किन कीवर्ड्स पे सेल आ रही है, वो फिर आप अपने क्लाइंट्स को इजीली उस रिपोर्ट की बेस पे डील कर सकते हैं। नहीं तो भी आप डमी लिस्टिंग जो है वो करके दिखाएंगे आप हमें अभी? लेकिन डमी लिस्टिंग जो है कल के जो फाइनल आपकी क्लास है ना उसमें इंशाल्लाह हम क्रिएट करके जी नहीं, देखेंगे। कल तो लेक्चर ही नहीं होगा हमारा, पूरा सैटरडे और संडे को है जो क्लास कमिंग हमारी। डेज होगा ना उसमें जो भी दिन सेलेक्ट किया जाएगा लास्ट लेक्चर का वो उस डे में हम इंशाल्लाह देखेंगे। अच्छा मैडम, ये भी मैंने पूछना था कि जब हम जंगल स्काउट को रन करते हैं तो उसमें स्टैटिक सामने शो होते हैं, तो उसमें पहले 10 का एवरेज रेवेन्यू वो कैसे निकालेंगे? पहले 10 का एवरेज रेवेन्यू, ये जी एवरेज जी जो रेवेन्यू तो टॉप मैंने टेन आपको होंगे। तमाम स्टूडेंट्स को बताया था कि एवरेज रेवेन्यू या तो आप टॉप 10 को जो है ना वो उसका रेवेन्यू ऐड करके 10 पे डिवाइड करके ये जो आंसर आएगा उसको आप कंसिडर कर सकते हैं, या फिर अगर ओवरव्यू आपने लेना है जी तो वो टॉप 10 में जो मेजोरिटी सेलर लेके जा रहे हैं ना रेवेन्यू आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। जी अच्छा मैडम, ये जो कूपन्स और डील्स हैं, जी, तो इसको कैसे लगाएंगे इसमें, अगर प्रोडक्ट पे लगाना हो तो? ये टारगेटिंग इन एक्चुअल कूपन डील्स ही हैं। टारगेटिंग समझ नहीं लगी मुझे मैडम। इसको मजीद ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अच्छा, चलो चले, ठीक है। मैम एक और क्वेश्चन था लास्ट किसी क्वेश्चन। जी अच्छा
मैम ये RFQ सेंड करना ज़्यादा बेहतर होता है कि हम इंडिविजुअली जो है वो अपना सप्लायर देखें जो क्राइटेरिया पे मीट कर रहा है, और फिर हम उसकी प्रोडक्ट देखें कि वो हमारी प्रोडक्ट के डिज़ाइन से मैच कर रही है, और फिर हम उसको अपना टेम्पलेट वगैरह भेजें। ये ज़्यादा बेहतर है कि RFQ सेंड करते हैं और सप्लायर हमें खुद ही कॉन्टेक्ट करें। नहीं, जो RFQ वैसे बेस्ट रहता है, क्योंकि मेजोरिटी सेलर, मेजोरिटी जो सप्लायर होते हैं ना, वो आपको खुद अप्रोच करते हैं, तो वो बेस्ट है कि RFQ आप सेंड करें। तो उसमें ये है मैम कि हाँ जी, हाँ, उसमें ये है कि मेजोरिटी सेलर्स आपको खुद अप्रोच करते हैं। उसमें एक तो ये आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, सेकेंड थिंग के बेस्ट वैसे यही रहता है, आपने मैनुअल वे से भी अप्रोच करना होता है और RFQ भी सेंड करते हैं, तो उसमें फिर मेजोरिटी सेलर से आपने बात, क्योंकि 20 हमने कहा होता है, 20 सेलर से आप सप्लायर से बात करें, तो उसकी बेस पे फिर फाइनल 3 करें आप। ओके मैम। अच्छा, मैम अच्छा, ये ये RFQ सेंड करते हैं तो मैम जैसे आपने बताया क्राइटेरिया सप्लायर को मतलब सिलेक्ट करने का, तो मैम अगर RFQ सेंड करके जो मैं सप्लायर हमसे बात करेगा तो मैं कैसे पता चलेगा कि ये इसका क्राइटेरिया मीट कर रहा है, ये ट्रेड इंश्योरेंस है या इसके जेम्स 2 से ज्यादा है, वट एवर जो भी क्राइटेरिया था। कुछ सप्लायर तो अपनी इन्फॉर्मेशन जो है ना, वो खुद भी प्रोवाइड कर देते हैं, तो उसको यानी कि इन्फॉर्मेशन जो है ना, वो बता रहे होते हैं कि आप खुद भी उनसे कंफर्मेशन कर सकते हैं कि क्या आप ट्रेड एश्योरेंस या ये वेरीफाइड हैं, तो खुद आपको ना सारी डिटेल अपनी रिक्वायर कर देते हैं, तो वो जस्ट आप उनसे कंफर्मेशन कर सकते हैं। यानी कि हमने उनसे बात करने से पहले पहले कंफर्मेशन कर लें कि तुम एग्जैक्टली, ये हो। ओके कंफर्मेशन मैम आप कर सकते हैं। थैंक यू। जी, वेलकम। अच्छा, क्लास में एक स्टूडेंट हैं जिनको इशू आ रहा था, निर्मल है शायद। निर्मल, आर यू देयर? आवाज़ आ रही है आपको? यस मैम। ठीक है। अच्छा निर्मल, आप स्क्रीन शेयर करें और प्रॉब्लम बताएंगे, क्या इशू है जो कि आपका रिजॉल्व नहीं हो रहा था अकाउंट की रिकॉर्डिंग। जी, मैं आपको होस्ट इनविटेशन भेजती हूँ, एक्सेप्ट करें और कंटिन्यू करें।